एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाएंगे। यहां पर आपके सामने एक वेब पेज है जिसको हम demo.html कह रहे हैं। इसमें बेसिक चीज है, यहां पर एक हमने एक टाइटल जैसा कुछ दिया है, यहां पर कुछ टैब्स हैं, एक इमेज है, साथ में एक मेन सेक्शन है जो बता रहा है व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। एक सब सेक्शन है जिसमें भी कुछ कॉन्टेंट डाला हुआ है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज द अप्रोच दैट सजेस्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट शुड रिस्पॉन्ड टू द यूजर बिहेवियर एंड एनवायरमेंट बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज प्लेटफॉर्म एंड ओरिएंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है यहाँ पे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती क्या है। आज वेबसाइट केवल कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे नहीं खुलती है, ये मोबाइल पे भी खुलती है और साथ में आपके आईपैड्स हैं या जितने भी डिवाइस है, अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से वेबसाइट खुलती है। अगर आप केवल डेस्कटॉप के हिसाब से बनाएंगे या उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे तो जैसे ही वेबसाइट आपकी, इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं, कुछ आप देख पा रहे हैं, ये पढ़ने वाला हिसाब किताब अभी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। मैं भी इसको जब रिस्पॉन्सिव बना दूंगा तब आप देखेंगे कि जैसा आप देखना चाहते हैं मोबाइल में उसी तरीके से बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही हम इसको ये अलग अलग साइज में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उस हिसाब से वेरिएट करनी चाहिए। अगर यहाँ पर अगर आपको वो फील नहीं आ रही है तो उसका तरीका समझिए। सबसे पहले हम जाते हैं इंस्पेक्ट पे, आप प्रॉपर मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे इंस्पेक्ट पे जाएंगे आप तो ये कंटेंट आपको जो अभी मैं दिखा रहा था एक फुल स्क्रीन पे या फिर एक हमारे ब्राउजर पे, वो अब यहाँ पर आईफोन 6, 7, 8 के ऊपर दिख रहा है। जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तब आप देखिएगा ये किस तरीके से दिखाई देगा। अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर मैं इसको आईपैड पे करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसको किसी और डिवाइस पे ले जाना चाहता हूँ तो इंस्पेक्ट पे जाके मैं एडिट करके यहाँ पे देख सकता हूँ, मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस है। तो इन ऑप्शंस पे मुझे जो जो ऑप्शंस के लिए मैंने इसको रेडी किया है अपनी वेबसाइट को, वैसे तो मैं चाहूंगा कि सबके लिए बनाया जाए। और सबके लिए कैसे बनाएंगे इसकी भी एक ट्रिक है, सबको बनाने का ट्रिक बहुत आसान है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको एक करके दिखाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सब आप आराम से कर लेंगे क्योंकि साइज का हेर फेर है। मेन चीज ये है कि एक छोटे स्क्रीन पे आप ये कैसा दिखेगा, इस इमेज को आपको कैसे स्ट्रेच या अनस्ट्रेच करना है, छोटा करना है, इसको कहाँ रखना है, इसको इसके नीचे ले जाना है, ये होम अबाउट वर्ड कॉन्टेक्ट जो आपको दिख रहे हैं टैब्स वो वन बाय वन आ जाए, डेमो सबसे ऊपर चला जाए, इमेज थोड़ी छोटी हो जाए, मेन सेक्शन यहाँ लेफ्ट में आ जाए, सब सेक्शन नीचे आ जाए, कुछ इस तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसी को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि स्क्रीन के हिसाब से ये वेबसाइट या फिर आपका जो भी वेब पेज या कंटेंट आपने बनाया है वो रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, और रिस्पॉन्ड इस तरीके से करेगा कि सब चीजें वैसी दिखाई देंगी और आराम से आप पढ़ सकेंगे उसको। मेन चीज ये है, दिखाने की बात नहीं है। आप स्क्रीन पे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका क्या साइज होगा, क्या इसका लुक होगा, फील होगा, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत एक छोटा एग्जांपल मैं लूंगा, ये आपके सामने है। तो यहाँ पर आप इंस्पेक्ट जो करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप छोटा बड़ा कर रहे हैं, देखिएगा आप जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ इसमें चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन और जब मैं इसमें कॉन्टेंट डाल दूंगा तब भी आप देखिएगा। लेकिन अगर आप फौरी तौर पर इंस्पेक्ट की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, आप प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा केवल ऐसे ही देखना चाह रहे हैं, किसी को दिखाना चाह रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि देखिए यहाँ से मेरा छोटा होने पे चेंज हो रहा है। लेकिन आपको HTML और CSS आनी चाहिए, बेसिक आनी चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कैसे करेंगे इसको। इसके लिए एक वेब पेज बना लीजिए, जैसे आपने देखा मैं इसका कॉन्टेंट आपको दिखा देता हूँ। ये एक वेब पेज है, इसमें कुछ कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर एक हेड है आपके, यहाँ पर बॉडी है, और फिर उसके बाद एक हेडर के अंदर हमने सिंपल एक कंटेंट लिखा है। हेडर के अंदर हमने नेविगेशन लिया, नेविगेशन मतलब ये होता है जो आप ये नेविगेशन, इसे हम नेविगेशन कहते हैं, नैव है ये। और उसके बाद इस नैव में के नीचे हमने डेमो लिखा है, डेमो की जगह आप इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कह दीजिए। मैं इसको नोट पैड प्लस प्लस में एडिट कर रहा हूँ, बेहतर रहेगा कि आप भी नोट पैड प्लस प्लस में करिए। आप इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कह सकते हैं। अच्छा, आपके वेब में एक से ज्यादा पेज हो सकते हैं तो सब में ये करना पड़ेगा। उसके बाद आपने लिस्टिंग दी है जो भी जो नैव के अंदर आई है, वो नैव ये होम अबाउट वर्ड कंटेंट जितने आप जोड़ना चाहें वो यहाँ जोड़ सकते हैं, ये चारों आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका
बैनर है, बैनर जो आपने देखा, ये इमेज कहीं से भी ला सकते हैं, ये जो आपका बैनर है ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये बैनर है, ये इमेज है, सिंपल कहीं से भी उठा के आप यहाँ पर ला सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये आपका एक सेक्शन है जिसको मैं मेन कह रहा हूँ, जो ये मेन सेक्शन है ये वाला, इसमें कोई भी कंटेंट कॉपी करके डाल दीजिए। एक आपका और सब सेक्शन बना दिया, तो सेक्शन के अंदर सेक्शन, एक सेक्शन बनाया और ए साइड मतलब होता है सेक्शन के दाएं हाथ पे साइड पे आएगा, अलोंग साइड आएगा, इसलिए इसका नाम हमने सब सेक्शन रख दिया। उसके अंदर कोई भी कॉन्टेंट डाल दिया, वो कोई कॉन्टेंट आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास केवल चार, एक चार पांच चीजें, 1 2 3 4 5, और इसीलिए एक बहुत छोटा सा ये वेब पेज है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। मेन चीज जो शुरुआत करनी है वो है आपका ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपको, मैं इसको एक एक करके बताता हूँ आपको, मैं आप इसके नीचे लिखता हूँ ताकि आपको ऊपर भी दिखता रहे क्या आ रहा है, और एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या है। ये मेटा टैग है, मेटा टैग मतलब इंफॉर्मेशन, मेटा इंफॉर्मेशन होती है इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। तो हमने क्या किया, ये मेटा लिखा, मेटा इंफॉर्मेशन, हमने दिया नेम, नेम मतलब अब ये व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट मतलब जिसमें ये दिखाई देने वाला है, व्यू पोर्ट VIEWPORT। तो आप व्यू पोर्ट यहां बनाएंगे, अब व्यू पोर्ट मतलब आपने बता दीजिए किस पे ये दिखना चाह, किस किस पे ये दिखेगा, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दी स्क्रीन, अब स्क्रीन पे आ गया। अब कंटेंट समझिएगा इसको, कंटेंट इसके अंदर मतलब जब भी नेम देते हैं उसके साथ कंटेंट देते हैं, नेम वैल्यू पेयर होता है ये मेटा टैग। तो कंटेंट में आप क्या दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, यानी जो भी विड्थ होगी। अब हम देखेंगे, आप देखेंगे जब इसमें कंटेंट डालूंगा, जब मैं इसको वाकई रिस्पॉन्सिव तैयार करूंगा तो उस वो विड्थ के हिसाब से लेगा, हम केवल विड्थ डालेंगे उसमें, हाइट की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर विड्थ है, यानी कि विड्थ क्या होगी, विड्थ है डिवाइस की विड्थ, जो भी डिवाइस, चाहे आपका कोई भी स्क्रीन हो, चाहे पोर्ट्रेट करें, लैंडस्केप करें, चाहे मोबाइल की बात करें, चाहे आप लैपटॉप की बात करें तो, या आईपैड की बात करें, ये डिवाइस हुआ विड्थ। अब देखिए ये विड्थ इसलिए दिया गया है कि आप यहाँ विड्थ से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद आपने कहा मिनिमम स्केल 1.0 और मैक्सिमम स्केल 1.0, यानी कि आप चाहते हैं कि जो मिनिमम स्केलिंग हो इसकी। स्केलिंग क्या होता है कि जब भी कोई कंटेंट दिखता है तो वो स्क्रीन के हिसाब से इधर उधर जाने की कोशिश करता है, आप वही स्केल रखेंगे जो आपने अपने मेन में बनाया है, यानी कि यहाँ जो आपने स्केलिंग दी है जैसे दिखाई देना है वैसे दिखाई देगा, यानी कि इधर उधर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो मिनिमम स्केल 1.0, मैक्सिमम स्केल इसलिए किया है कि आप नहीं चाहते कि जूमिंग हो इसमें, राइट, यानी मिनिमम स्केल मैक्सिमम स्केल आपका 1.8 1.0 ही रहा है, मैक्सिमम स्केल जो जा सकता है, मिनिमम स्केल जो जा सकता है, तो ये जो कॉन्टेंट है ये देना बहुत आवश्यक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ, ये कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको जरा सब पता रहे कि भाई ये चीज़ हमें लिखनी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आप ये मैक्सिमम स्केल को स्किप कर सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं और ये भी लिखेंगे तो चलेगा, ये केवल जूमिंग के कारण जो तकलीफें आती हैं उसको हटाने के लिए है, मिनिमम स्केल आपको देना पड़ेगा। तो पहली चीज़ आप समझ गए, पहली चीज़ ये है कि आपके हेड में, हेड के अंदर आपको ये मेटा टैग डालना पड़ेगा, तब काम शुरू होगा, राइट, फर्स्ट चीज़ मैं इसको हटा देता हूँ, आप समझ गए फर्स्ट चीज़। इसके बाद हमने क्या किया कि एक CSS बना रखी है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब मैं आपको जरा कंटेंट दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इसमें, इसमें कंटेंट मतलब जो हमारी जो वेब पेज बना हुआ है उसका कंटेंट दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा मेन पेज है, ये मेन पेज है, इसी को हम चला रहे हैं। इसके अंदर स्टाइलिंग के अंदर एक main.css है, इसको मैं खोलता हूँ। ये जो main.css है उसमें बहुत बेसिक CSS दिया हुआ है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसके नीचे हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे हमने अलग अलग रैपर, मेन, ए साइड, हेडर, हेडर का जो H1 है, हेडर के अंदर जो हेडिंग आएगी, हेडर के अंदर जो नेविगेशन आएगा, और स्किप टू, और स्किप टू एलआई, स्किप टू का क्या होगा, स्किप टू का एलआई क्या होगा, यानी कि बैकग्राउंड इसका हमने दे दिया। ऐसी बैनर के बारे में बता दिया क्या होगा, बस यहां तक हो गया, ठीक। ये चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैंने बताया कि आपको HTML CSS आनी चाहिए। तो अगर मैं HTML इस तरीके से खोल रहा हूँ, यहाँ पर HTML है, हेडर के अंदर मैंने एक ये लिखा, बाकी चीज तो आप जानते ही हैं, मेटा कैरेक्टर्स, कैरेक्टर स्टाइल UTF-8 बताते हैं, टाइटल लिख दिया है, लिंक कर दिया main.css को, जो कि ये है, main.css के साथ इसको लिंक कर दिया है। उसके बाद आपने क्या किया, ये जावास्क्रिप्ट, इसकी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हैं, ये
क्योंकि दो चार चीजें इसमें की गई हैं इसलिए रखा गया, लेकिन अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमने पहला डिव जो दिया वो डिव है आईडी रैपर, और अगर आप देखें मैं इसको यहां पर ले जाता हूं आपके सामने, मूव टू अदर व्यू, ये जो पहला डिव आईडी है रैपर, यानी कि मैं इस एक डिवीजन आपने बनाया, डिव आईडी आपका रैपर है और उस रैपर के लिए आपने कुछ चीजें यहां दी, देखिए हैश रैपर आपने बताया इसका विड 96% होगा, मैक्सिमम विड 920 पिक्सल होगा, मार्जिन बता दिया ऑटो जाएगा, पैडिंग इसकी 2% दे दी। इसके अंदर आप आए हेडर, एक हेडर के अंदर आप नैव पे आए और नैव की आईडी दे दी स्किप टू, आप देखिए स्किप टू का भी कुछ स्टाइलिंग दी हुई है, तो स्किप टू के अंदर स्टाइलिंग दी है, स्किप टू के अंदर यहाँ पर देखिए एक लिस्ट है एलआई दिया आपने या स्किप टू मेन कंटेंट, तो क्योंकि यहाँ आपको लिस्ट बनानी है, देखिए ये लिस्ट है ना 1 2 3 4, ये चार जो आपको दिख रहे हैं वो लिस्ट में डाले गए, तो इसका इसका स्किप टू का भी एक स्टाइलिंग दी हुई है, एक यहाँ पर आपके स्किप दूसरा वाला जो अंदर कॉन्टेंट है यानी ये एलआई है उसके लिए भी आपने स्टाइलिंग दी हुई है, यहाँ तक ठीक हो गया। उसके बाद क्योंकि नैव के अंदर एलआई है, नैव के अंदर एलआई है उसकी भी हमने स्टाइलिंग दे दी है, तो ये बेसिक स्टाइलिंग है, इसमें कुछ हुआ नहीं, इसमें कुछ भी हुआ नहीं है, बस बेसिक स्टाइलिंग कैसे दिखाना चाहते हैं आप, इसीलिए आपको ये दिख पा रहा है इस तरीके से, और अगर स्टाइलिंग नहीं देते तो ये कहीं इधर चला जाता कहीं इधर चला जाता। तो मेन चीज़ ये है कि एक बैनर भी, बैनर के लिए भी दी है कि आईडी बैनर है, बैनर भी देख लीजिए ये बैनर है। अच्छा इसको अभी केवल इसलिए बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि असली रिस्पॉन्सिव में क्या चेंज करेंगे, बेसिक चीज़ ये होती है कि ये बेसिक वेब पेज अभी स्टाइल कहीं से भी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आया है, एक बैनर के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप कोई ना कोई स्टाइलिंग देते हैं, जैसे यहाँ पर सेक्शन है, यहाँ ये सेक्शन है ए साइड है, तो यहाँ पर सेक्शन और ए साइड के लिए कुछ स्टाइल, जैसे ये ए साइड है इसको आपने बताया वेट 35% है, फ्लोट राइट कर दिया आपने, लेकिन मसला ये है कि ये स्टाइलिंग के साथ तो ये ऐसा काम कर रहा है, लेकिन क्या कैसे काम करेगा जब ये हम अलग अलग स्क्रीन पे ले जाएंगे, तो उसके बारे में अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अभी पहली लाइन तो आप समझ गए, सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये लाइन देनी है, ये रिस्पॉन्सिव की शुरुआत है, उसके बाद आप जब स्टाइलिंग वगैरह दे देंगे तो आप यहां पर देखिए बहुत ध्यान से कि मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको अलग अलग डिवाइस के लिए बनाएंगे, सबसे पहले अमूमन जो है वो हम लैपटॉप, वो सबसे छोटी स्क्रीन यानी कि 480 यानी स्मार्टफोन के लिए बनाते हैं, तो सबसे पहले ये वाला बनाते हैं, सबसे पहले मैं इसको अगर चाहें तो मैं इसको ऊपर रख सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बनाते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए, ये मीडिया क्वेरीज है, इस मीडिया क्वेरी के अंदर ही कंटेंट लिखा जाएगा और ये जो कंटेंट लिखा जाएगा उसी हिसाब से ये रिस्पॉन्सिव होगी, मैं आपको एक करके दिखाऊंगा बाकी उसी तरीके से आप एडजस्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये एट द रेट मीडिया, हमने कहा एट द रेट मीडिया ये डिवाइस है, जितने भी स्मार्टफोन्स है पोर्ट्रेट में इसका स्क्रीन होना चाहिए 320 पिक्सल और 480 पिक्सल, तो 320 और 479 या 480 पिक्सल के बीच में जिसका साइज होगा, स्क्रीन साइज होगा, तो आप देखेंगे मिनिमम विड्थ इसकी 320 है एंड लिया मतलब ऑपरेटर लगाया आपने, मैक्सिमम विड्थ आपने दिया 480 पिक्सल, राइट। इसी तरीके से आपने कहा कि जब ये, अच्छा हमेशा पोर्ट्रेट तो नहीं रहेगा, मोबाइल तो इधर उधर घूमता है, आप इसको लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप पे इसकी जो साइज हो जाएगा वो मिनिमम विड्थ है 481, मैक्सिमम विड्थ है 768, इसके लिए भी आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। फिर आप ऊपर जाते हैं थोड़ा सा टैबलेट पे आ जाते हैं, है ना, सबसे पहले मोबाइल फोन के लिए करते हैं फिर टैबलेट पे जाते हैं, टैबलेट की जो स्क्रीन होती है करीबन 768 से 1024 तक आ रही है आजकल, तो 768 से यानी आप देंगे एट द रेट मीडिया, मिनिमम विड्थ देंगे 768 पिक्सल और मैक्सिमम विड्थ देंगे 1024, और आप बताएंगे बकायदा कि ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप है। इसी तरीके से इसके ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के लिए भी करेंगे, यानी मिनिमम जैसे ही पोर्ट्रेट जाएगा तो आप मिनिमम विड्थ 768 मैक्सिमम विड्थ 1024, तो पोर्ट्रेट भी बताएंगे, तो मिनिमम ये लैंडस्केप हो गया पोर्ट्रेट हो गया, ये किसके लिए हो गया आपके आईपैड्स के लिए, या फिर आईपैड की बात नहीं कर रहा कोई भी टैबलेट हो सकता है इसमें, क्योंकि आईपैड ज़्यादा यूज होता है इसलिए बात हो रही है। अब सबसे ऊपर आएंगे ये लैपटॉप डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए है जो नॉर्मल 1025 से लेकर 1280 तक होती है, तो आपने कहा एट द रेट मीडिया मिनिमम विड्थ कोलन करके 1025 पे एक पिक्सल, और साथ में आपने कहा कि मैक्सिमम विड्थ 1025 और 1280 के बीच में होनी चाहिए, तो इस तरीके से इनके बीच में कंटेंट लिखा जाएगा कि जब नॉर्मल ये चलेगा, जब ये नॉर्मल चलेगा, देखिए जब ये नॉर्मल चल रहा है तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन कम ज्यादा करेंगे या फिर इसका पिक्सल साइज कम करेंगे तब ये क्या करना चाहिए, तब ये इसके हिसाब से
इस मीडिया क्वेरी के अंदर जो कंटेंट लिखेंगे उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, राइट। आप समझ गए मैं क्या कह रहा था, कि इसके हिसाब से एडजस्ट करेगा जो आप कंटेंट लिखेंगे, मतलब सेम कंटेंट लिखा जाएगा, जो ये चीजें हैं ये सेम चीज लिखी जाएगी, लेकिन उस हिसाब से हम ये स्टाइलिंग चेंज करेंगे। तो CSS की स्टाइलिंग चेंज करके हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं एक आपको करके दिखाता हूं, तो शुरुआत इस तरीके से करेंगे हम कि यहाँ पर ऊपर की चीज को ही कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ जो स्टाइलिंग है उसी में चेंज करेंगे, मतलब मेन स्टाइलिंग जो है वो तो वही रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं अपने स्किप टू कंटेंट पे, यानी कि जब मैं इसको छोटा करना चाहूंगा, जब मैं इसे छोटा करना चाहूंगा तो मैं चाहता हूं कि होम अबाउट वर्क कॉन्टेक्ट एक के एक बाद आए, वन बाय वन आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी कर रहा हूं मैं, यानी कि स्किप टू वाला जो डिस्प्ले है ये नन है, मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक की तरह दिखाई दे, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और इस 480 वाले पे पेस्ट कर दे रहा हूं। यही काम आपको बाकी के लिए भी करना है, ध्यान रखिएगा। स्किप टू हमने डिस्प्ले कहा कि नन, यहां नन है। अब जैसे ही हम ये स्क्रीन का साइज इसको ये मिलेगा, हम कहेंगे नहीं साहब इसको आप एक काम करिए कि इसको कर दीजिए ब्लॉक, BLOCK। एक एक स्टाइलिंग आपको आनी चाहिए, मैंने बताया CSS आनी चाहिए तभी हो पाएगा। अब देखिए ये स्किप टू में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, स्टाइलिंग में चेंज कर दिया। इसी तरीके से अब हम अपने दूसरे चीज पे जाएंगे, वो क्या है आपका, हम चाहते हैं कि जब ये छोटा हो तो उसका हेडर में, इसका हेडर जो देख रहे हैं वो नेविगेट कैसे करेगा। तो हेडर का नेविगेशन, हेडर के अंदर जो नेविगेशन है वो हम ले लेंगे, हेडर के जो जो मेन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक हमने मेन भी दिया हुआ है, हमारे पास एक क्लास या आईडी बनाई हुई है, आईडी जैसे रैपर है, इस तरीके से स्किप टू हमने चेंज कर दिया, ऐसे हमारे पास मेन है। तो हम एक मेन नेविगेशन और ए साइड सबको साइड बाय साइड आना चाहेंगे, तो एक एक करके क्या करते हैं, ये वाला मैं ये वाला उठा लेता हूँ और इसमें इसमें चेंज करेंगे। लेकिन अब एक साथ चेंज करना है तो कैसे होगा, देखिए मैं एक साथ चेंज करना चाहता हूं। अब देखिए हेडर का नैव है, मैंने कहा मैं थोड़ा सा मेन में भी चेंज करना चाहता हूं, जो आईडी दी हुई है हैश मेन कर देते हैं इसको, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि कॉमा लगा के, ये सब कॉमा के साथ आएगा, इसको कॉमा करेंगे। एक साथ मैं दो तीन चीजें चेंज कर रहा हूं, इसलिए मैं दो तीन को एक साथ दे देता हूं। यहां पर आएगा ए साइड, ये आपको कोड नहीं समझना है, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, ओके केवल कॉन्सेप्ट समझना है। फ्लोट को हम राइट कर रहे थे, अब इसको हम फ्लोट में लेफ्ट कर देंगे, क्या करेंगे लेफ्ट, हम चाहते हैं जब छोटी स्क्रीन हो तो ये बाएं हाथ की तरफ चला जाए। क्लियर, हम एक काम करते हैं क्लियर को लेफ्ट कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि भाई मार्जिन क्या रहे, तो मार्जिन क्या करेंगे, हम मार्जिन भी कुछ चेंज कर देते हैं, हम चाहते हैं जीरो, लेफ्ट से जीरो, फिर अपर बॉटम जीरो, फिर उसके बाद दाएं से 10 पिक्सल दे देते हैं। ये आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल स्क्रीन के हिसाब से एक दो बार आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये केवल एक तरीका है आपको बताने का, यानी कि आप इसको जीरो को 10 कर दीजिए, 10 को कुछ कर दीजिए अपने हिसाब से। और हम चाहते हैं पूरी स्क्रीन पे आ जाए, पूरी स्क्रीन पे कैसे आएगा, हम विड्थ दे देंगे इसकी, विड्थ हम दे देते हैं 100%, मान लीजिए 100% हो गया, ये विड्थ हो गई आपकी। अब यहां तक तो ठीक है, हमने नेविगेशन में मेन में ए साइड में ये दे दिया। अब हम चाहते हैं कि यहां पर सेमी कॉलन देने की आवश्यकता नहीं है, अगर दे में ठीक है, यहां पर देने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम जाते हैं हेडर के नेविगेशन पे, ये मेन चीज है, नेविगेशन पे क्या हो रहा है, जो लिस्ट आएगी वो कैसे आएगी, तो उसको लेते हैं कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि जो मेन CSS है उसी में चेंज कर रहे हैं, अपने आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा जो जो चीज पहले दी हुई थी वही हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले तो जब ये दिखाई दे तो मार्जिन हम चाहते हैं जीरो हो, मार्जिन इसकी जीरो हो जाए। उसके बाद हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड इसका क्या हो, बैकग्राउंड कोई कलर चेंज कर देते हैं, चलिए बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, तो BACKGROU बैकग्राउंड आप चाहते हैं कि किसी और कलर में आ जाए, तो चलिए देखते हैं कोई भी कलर आप कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए इसको, राइट। अब डिस्प्ले, फिर यहाँ पर डिस्प्ले जो इनलाइन था उसको डिस्प्ले ब्लॉक करना चाहते हैं, एक के बाद एक दिखाना चाहते हैं, तो डिस्प्ले इनलाइन की जगह हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। अब क्योंकि हम मार्जिन भी देना चाहते हैं, मार्जिन थोड़ा नीचे से चिपके ना, मतलब स्क्रीन के स्क्रीन से एकदम लग के ना आए,
आप चाहते हैं कि जो मार्जिन है इसके मार्जिन बॉटम का हम देना चाहते हैं, बॉटम मार्जिन बॉटम कुछ भी दे दीजिए, जैसे छोटा सा कुछ एक दे दीजिए नंबर, 3 पिक्सल, केवल इसको सुंदर दिखाने के लिए। ओके, ये भी हो गया हमारा, हमने इसमें मार्जिन दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया, डिस्प्ले दे दिया, मार्जिन बॉटम। अब जरा हम इस ए पे आए, हेड के नेविगेशन में हमारे पास ए भी है, यानी कि हमारे पास जो ये दिया हुआ है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसमें नहीं है, देखिए एक भी और एक चीज़ कि जो चीज़ है वो तो ठीक है, अगर आप स्पेशली किसी को और भी स्टाइलिंग देना चाहते हैं जो कि आपने यहाँ नहीं दी हुई है, वो भी आप स्टाइलिंग दे सकते हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ यहाँ नहीं दी हुई है उसकी भी स्टाइलिंग हम दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने किसी की स्टाइलिंग नहीं दे रखी है, और लेकिन आप चाहते हैं जैसे छोटी या बड़ी स्क्रीन हो, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हेड नेविगेटर जैसे मैंने आपको ये बताया, तो मैं इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लिखने में आसानी हो। अब देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ नैव एज हेडर का जो नेविगेशन है उसमें एल आई नहीं, उसमें ए, जो एंकर टैग है उस एंकर होगा उसमें क्या होगा, तो डिस्प्ले में मैं कर देता हूँ अगेन यही ब्लॉक, ये डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। इसके बाद हमने कहा कि कुछ इसमें पैडिंग देंगे, तो पैडिंग यहाँ पर जोड़ेंगे और पैडिंग दे देते हैं, PADDING पैडिंग हम देते हैं इसकी करीबन। ये सारे नंबर मैंने अपने मर्जी से लिए हैं, ये भी आपको भी अपनी मर्जी से लेना है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, स्क्रीन साइज के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा है, स्क्रीन के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, स्क्रीन के हिसाब से कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं जो जो आप चलाना चाहेंगे, आपके हिसाब से बड़ा हो सकता है, मेरे हिसाब से छोटा हो सकता है, ये पूरी तरीके से हमारे डिस्क्रिप्शन पे, टेक्स्ट अलाइन में से कर देता हूँ सेंटर, हम चाहते हैं कि सेंटर में दिखाई दे, तो CENTER सेंटर हो गया ये। अब चलिए ये वाला काम हो गया, इसको बंद कर देते हैं। ओके, अब आप देखिए मैंने किया क्या, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अपने 320 से 480 पिक्सल जाएगा, तो डिस्प्ले इसके स्किप टू मतलब एक आईडी बनाई थी उसमें चेंज किया यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर हमने चेंज करने की कोशिश की, उसके बाद हमने कहा कि भाई मेन साइड में कुछ ऐसे चेंज हो जाए, जब ये छोटी स्क्रीन हो जाएगी, लिस्ट में चेंज कर दिया, एंकर टैग में चेंज कर दिया। यही काम आपको इन सब में भी करना है, जिस जिसको चेंज करना है, हर इसमें लिखना पड़ेगा ये, हर चीज में, और जरूरी नहीं कि यही चीज लिखे, आप स्क्रीन जब ये आए तब कुछ और करना चाहते हैं, जैसे इमेज को छोटा करना चाहते हैं, या इमेज को स्क्वीज करना चाहते हैं, तो मैक्स इमेज का मैक्स विड्थ कुछ चेंज करेंगे, हाइट ऑटो कर देंगे, ऐसे सब करना पड़ता है, तो कंट्रोल एस कर देता हूँ इसको, मैं सेव कर देता हूँ। अब हमारी ये जो वेबसाइट है या वेब है इसको मैं जरा रिलोड करता हूँ, क्या मेरा कुछ चेंज हुआ छोटा करने पर, चलिए देखते हैं। इंस्पेक्ट पे आएंगे हम, और अब हम आईपैड किया हमने किसके लिए है, हमने किया है आईफोन 678 के लिए, यानी कि 480 पिक्सल से कम। आप देखिएगा ये जो मेन कंटेंट है ये कैसा आया, डेमो कैसा आया, होम कैसा आया, ये एक एक नीचे आ गया, और ऐसे जब नीचे जाएंगे तो मेन सेक्शन हम अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, सब सेक्शन अच्छे से पढ़ना चाहेंगे। आप देखिए यही कंटेंट को मैंने आईपैड के लिए नहीं किया है, तो अगर मैं ही इसको आईपैड पे ले जाता हूँ या किसी टैबलेट पे जाता हूँ तो इस तरीके से दिखाई देगा, ये मोबाइल स्टाइलिंग या आईपैड स्टाइलिंग नहीं है, ये आपकी डेस्कटॉप स्टाइलिंग है, क्योंकि एक कोई आईपैड पे है तो वो इसको इस तरीके से पढ़ने में आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमने जहाँ केवल अपना कॉन्टेंट किसके लिए चेंज किया, फिर से मैं बताऊँ आपको, हमने केवल यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल 320 से 480 पे केवल यहाँ लिखा हुआ है, बाकी जगह नहीं लिखा, ये आपको लिखना है। और जैसे मैंने ये लिखा तो आप देखें कि 678 के लिए यहाँ इन्होंने बताया 375 से लेकर 667, यानी आप जो ये मिनिमम मैक्सिमम विड्थ यहाँ दी है इसको भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया वो करें, अपने हिसाब से ये जो अगर नंबर दिए हैं तो इसको ले लीजिए, आप चाहते हैं कि मैं पिक्सल 2 के लिए करूँ तो ये 411 731, यानी आपको ये वाला साइज स्टाइलिंग देना है, ये वाले नंबर्स देने हैं, और उसके बाद जो जो मैंने उसमें कंटेंट में चेंज किया था आप देखिए यहाँ पर उस तरीके से दिख रहा है जिस तरीके से रिस्पॉन्सिव दिखना चाहिए। तो यही बात हुई आपके, इसको जरूर पढ़ के या समझ के आपको पता लग गया होगा कि हम करते क्या है। पहली चीज हम यहाँ पर मेटा डालेंगे, उसके बाद हमको ये मीडिया क्वेरीज में ये कंटेंट डालना पड़ेगा, और उसके अंदर हम जो भी स्टाइलिंग हमारी है उसको उस स्क्रीन के हिसाब से चेंज कर देंगे, बस इतना कर।
होपफुली आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।